त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर आप बिजनेस करने के शौकीन हैं और कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की सोच रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज जो आपको बड़े फायदे दे सकते हैं। फेस्टिवल सीजन में कम पैसे में छोटा बिजनेस शुरू करके लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। त्योहारों में भी सबसे खास होता है दिवाली का त्योहार। इस अवसर पर कई तरह के बिजनेस कर सकते हैं जिससे आपकी लाखों की कमाई हो सकती है। दिवाली में लोगों को घर की साफ सफाई से लेकर कपड़े, मिठाई, पकवान, दिए, रंगोली, पटाखे, लाइट आदि कई चीजों की आवश्यकता होती है और इन चीजों की जरूरत ज्यादा होने की वजह से बिजनेस के लिए कई अवसर भी खुल जाते हैं। अगर आप भी कम समय में पैसों की कमाई करने का मन बना रहे हैं, तो हमारा ये वीडियो आपके लिए कई तरह के बिजनेस के मौके लेकर आया है, जिसमें आप अपने हिसाब से किसी भी बिजनेस को चुनकर उसे शुरू कर सकते हैं और उससे कमाई करके अपने इस त्योहार को अच्छे से मना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। पटाखे का बिजनेस। फेस्टिव टाइम में पटाखे बेचकर लाखों कमाए जा सकते हैं। भले ही दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन दूसरे राज्यों में अभी भी पटाखे खरीदने और बेचने की अनुमति है। अगर आप 100 किलो से 600 किलो तक का स्पार्कल के अलावा आवाज वाले पटाखे बेचना चाहते हैं, तो राज्य की पुलिस से टेम्परेरी लाइसेंस आपको लेना होगा। लाइसेंस के लिए फॉर्म पुलिस की वेबसाइट से मिल जाएगा। ये लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जारी करता है। टेम्परेरी लाइसेंस मिलने से आप चाइनीज और भारतीय कंपनियों के पटाखे बेच सकते हैं। साथ ही आपको सुरक्षा के नियमों का पालन जरूर करना होगा। सजावटी लाइट्स का बिजनेस। दिवाली के समय चाइनीज लाइटिंग की सेल्स सबसे ज्यादा होती है। फेस्टिव टाइम में डेकोरेटिव लाइटिंग बेचने का काम 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। दिल्ली के थोक मार्केट सदर बाजार के थोक कारोबारियों से चाइनीज लाइटिंग और साथ ही भारतीय लाइटिंग खरीदी जा सकती है। इन पर रिटेलर को 25 से 30 फीसदी का मार्जिन मिल जाता है। सदर बाजार में एक ही तरह की लाइटिंग के मिनिमम 10 पीस मिलते हैं। बेकरी का सामान बेचकर दिवाली के समय मिठाइयाँ, चॉकलेट, फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक के डब्बे सबसे ज्यादा बिकते हैं। दिवाली से एक सप्ताह पहले ही ज्यादातर दुकानदार शॉप के बाहर दुकानों पर इन गिफ्ट आइटम्स को बेचना शुरू कर देते हैं। कॉरपोरेट कंपनियां भी कर्मचारियों के लिए ये गिफ्ट खरीदती हैं। बीकानेर, हल्दीराम, प्रिया गोल्ड, पेप्सी, कोका कोला, फ्रूटी, चॉकलेट कंपनियों के फेस्टिव पैक निकालते हैं। ऐसे में अभी ये कारोबार शुरू कर भैया दूज तक ये कारोबार कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट के डेकोरेटिव पैक। दिल्ली सदर बाजार से सजावटी ड्राई फ्रूट के डब्बे और खारी बावली से ड्राई फ्रूट्स खरीदे जा सकते हैं। इन डिब्बों में थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स भरकर बाजार या अपनी लोकल मार्केट में बेचे जा सकते हैं। त्योहार के समय में डेकोरेटिव ड्राई फ्रूट्स के डब्बे सबसे ज्यादा बिकते हैं। पूजा के सामान का व्यापार। दिवाली के समय में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ, डेकोरेटिव कैंडल्स, लक्ष्मी जी के पैर, झालर, कैंडल, रंगोली, सजावटी दिए, कैंडल की सेल पीक पर होती है। दिवाली के दो दिन पहले रिटेलर इन्हें महंगे दामों में बेचते हैं। त्योहार के समय इन प्रोडक्ट को बेचकर कारोबारी 20 से 25 फीसदी का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये कारोबार 5,000 रुपए के निवेश से शुरू किया जा सकता है। दुकान लगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत भी नहीं होती है। दिवाली के मौके पर इन बिजनेस को शुरू कर काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। खास बात यह है कि इसकी डिमांड दिवाली के बाद भी मार्केट में बनी रहती है, तो इस दिवाली शुरू करें ये बेहतरीन कमाई वाले बिजनेस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।